मित्रों, अहोम एम्पायर असम का एक ऐसा साम्राज्य था जिसे लोग आज बिल्कुल भूल चुके हैं और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। भारत के इतिहास में मराठा, मौर्य और मुगल साम्राज्य का वर्णन बहुत बार मिलता है, लेकिन इतिहास में अहोम एम्पायर को इग्नोर किया गया। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको अहोम साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और मैं जानता हूँ कि जब असम के इस अहोम साम्राज्य के बारे में आप जानेंगे तो आपको प्राउड फील होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी अगली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, अहोम साम्राज्य के राजाओं ने लगभग 600 सालों तक राज किया। इनका समय काल 1228 से लेकर 1826 तक था। ये बर्मा से आए थे और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में बस गए थे। इनके पास नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो आज के समय में असम राज्य है। इन्होंने 600 सालों तक कैसे एक साम्राज्य का अस्तित्व बनाए रखा? क्या इनके पास बहुत बड़ी सेना थी या इनके पास कोई दिव्य शक्तियाँ थी? तो इसका जवाब है नहीं। इस साम्राज्य का इतने सालों तक अस्तित्व में रहने का कारण इनका सिस्टम था, क्योंकि राजा के 5 मंत्री होते थे जिनके पास इतनी पावर्स होती थी कि अगर कोई राजा अपने राज्य के लिए अच्छा काम नहीं करेगा तो वे उसकी जगह किसी दूसरे को राजा बना सकते थे। मित्रों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अहोम एम्पायर ने 17 बार मुगलों को हराया था और आप यह तो जानते ही होंगे कि मुगल कितने निर्दयी और लूटखोर थे। उन्होंने भारत के कितने ही मंदिरों को तोड़ा और लूटा था। और एक समय तो ऐसा था कि जब मुगलों ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। अहोम राज्य के राजाओं ने मुगलों को 17 बार हराया था और अहोम राज्य को उनके अधीन होने से बचाया, क्योंकि मुगल जानते थे जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास की मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है और वो इसी वजह से वहां पर कब्जा करना चाहते थे। मुगलों ने 1615 से लेकर 1682 तक असम पर कई बार हमला किया और सन 1667 में अहोम मुगलों से हार भी गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस हार के बदले उन्होंने मुगलों को 3,00,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। साथ में अपनी राजधानी गुवाहाटी को भी गंवा दिया और तो और दो राजकुमारियों को मुगलों ने बंधक भी बना लिया था। लेकिन युद्ध यहाँ समाप्त नहीं हुआ था। उस समय लचित बोरफुकन भारत की सबसे बड़ी सेना के सेनापतियों में से एक थे। मित्रों, अहोम वंश की कहानी बिल्कुल अधूरी सी लगेगी अगर इसमें सराईघाट के युद्ध को ना बताया जाए। लचित बोरफुकन वह व्यक्ति था जिसने मुगलों से गुवाहाटी को वापस छीना था। इस सेनापति ने इस जीत का जश्न मनाने के बजाय मुगलों पर एक जवाबी हमला करने की ठानी, क्योंकि वह जानता था कि मुगल इस हार को हल्के में नहीं लेंगे। इसके बाद मुगल अपनी 30,000 पैदल सेना, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकधारी तथा 1,000 तोपों के साथ वापस आए। मुगल अपनी पिछली हार से वैसे ही बौखलाए हुए थे। उस समय उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन था, परंतु लचित बोरफुकन बहुत तेज दिमाग वाले थे। उन्होंने यहाँ जियोग्राफिक का लाभ उठाया और मुगलों को ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। परंतु एक समय तो ऐसा भी आया जब लचित बोरफुकन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, जिससे कि सेना का मनोबल गिरने लगा था और वो पीछे हटने की सोचने लगे। लेकिन तब लचित बोरफुकन ने अपनी सेना को कहा कि अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन राजा ने मुझे जो काम दिया है मैं इसे अच्छे से करूंगा। इसके बाद सेना ने युद्ध लड़ा और वे इस युद्ध को जीत गए। लचित बोरफुकन ना तो अपने धर्म के लिए लड़े, ना किसी नेता के लिए और ना ही अपने लिए, वो सिर्फ अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़े थे, इसीलिए वो एक महान सेनापति थे। इस जीत के बाद उन्होंने असम में जीत का जश्न भी मनाया। हमारे देश में 24 नवंबर को लचित दिवस भी मनाया जाता है और एनडीए के सर्वश्रेष्ठ सेना छात्र को लचित नाम से गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। मित्रों, मेरा मानना है कि सरकार को अब अहोम वंश के बारे में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहिए, जिसमें कि वो इसके बारे में अच्छे से जान सके। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, धीरे धीरे हमें उनके कल्चर को भी समझना होगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें
जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।